हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। आज boltikahani.com पर सुनिए जसविंदर सिंह की कहानी अफसोस। मैं ऑफिस में काफी रंगीन तबीयत माना जाता था और खुशमिजाज भी। हर रोज किसी को सुनाने के लिए मेरे पास नया व मौलिक लतीफा तैयार रहता था। मैं हाजिर जवाब भी गजब का था। कोई गंदा सा जोक सुनाकर अपने साथियों को बेशर्मी से आंख मारता और सारी बात इतनी गंभीरता से कहता कि हर कोई सच में मेरी बात मान लेता था। वैसे तो मेरी कहानी सब लोगों के सामने खुली किताब रही है। मैंने जिंदगी में जी भर के ऐश की है। घर अच्छा था, मेरी बीवी भी कमाती थी। मैंने सब कुछ खाया पिया, घूमा फिरा, इतनी सारी औरतों से यारी की, रोमांस भी किया, वो मजेदार जिंदगी जीकर मजा आ गया। मगर जनाब, असली बात तो यह है कि मैंने गलफत भरी जिंदगी जी है। कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे याद करके दिल को कोई सुकून मिले। किसी ने मेरे अंतर मन को कभी नहीं समझा। सभी सोचते थे कि यह आदमी कितना मिलनसार है, खुश मिजाज है, चलो इसके पास चलते हैं, कुछ घड़ी बैठ कर गप्पे मारते हैं। मैं उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताता जो असल में सच नहीं थी, कोरी कल्पनाएं थी। वे सुनकर खुश हो जाते और ठहाके मार के हंसते। उनके जाने के बाद मैं उदास हो जाता। एक बलात्कार सी स्थिति मेरे साथ हो जाती। लगता था मानो इस बलात्कार को मैंने खुद ही अरेंज करवाया है। रोज रोज मैं अपने अंतर्मन के साथ बलात् ढोंग करता। ये आदत मुझे बचपन से ही थी। लोग बताते हैं कि मेरे पिताजी को भी यही सनक थी, हर एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। अगर उनके पास 1,000 रुपये होते तो लोगों को 10,000 रुपये बताते। मुझमें ये शेखी एक सनक की हद तक विकसित हो चुकी थी। अगर मैं कभी सच बोलता तो लोगों को यकीन नहीं होता। इससे बहुत नुकसान उठाए हैं साहब मैंने। कई अधेड़ स्त्रियां तो मेरी अच्छी दोस्त बनी, मगर मेरी हम उम्र जवान औरतें मुझसे परहेज करती। कॉलेज में मुझे अपनी उम्र से बड़ी स्त्रियां भाती थी, जिन्हें हम लोग आंटीज कहकर मजे लेते थे। एक दो तो मेरी चिकनी हंस और बातों में भी आ गई थी। उनकी गहरी जिस्मानी अंतरंगता भी मुझे मिली। वे मेरी शेखी भरी बातें सुनकर प्रभावित हो जाती थी। मगर जो जो मेरी शादी पुरानी हुई, मुझे कच्ची उम्र की जवान शोक लड़कियां पसंद आने लगी। मगर मेरी बढ़ती हुई उम्र, आगे निकलती हुई तोंद और पकते जा रहे बालों ने उन्हें हमेशा मुझसे दूर ही रखा। ऐसे में एक बार मुझे लगा कि मैं जिंदगी के सही अर्थ पा गया। बात उन दिनों की है जब मैं अपने ऑफिस के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण अधिकारी था। एक बैच में एक लड़की थी जो मेरी हसौड़ लच्छेदार तथा चुटकीली बातों में आ गई थी। वह थोड़ी सांवली थी, मगर हम हिंदुस्तानी लोग गोरे रंग पर टूट कर पड़ते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि मुझे उसका दिल दुखाना नहीं चाहिए था। हाँ तो जनाब, विजया यही नाम था उसका। प्रशिक्षण पीरियड खत्म होने के बाद वो मुझसे मिलने मेरे सेक्शन में आई। वो 21 बरस की जवान लड़की थी और मैं 38 बरस का था। इतना अधेड़ तो न था, मगर बाल जरूर पकने लगे थे मेरे और शरीर भी फूलने लगा था। सारा सेक्शन हैरान नजरों से उसे देख रहा था। विजया को मैंने साथ पड़ी कुर्सी पर बिठाया, औपचारिकतावश चाय मंगाई। हमारे बीच उम्र का बहुत बड़ा फासला था। वह कमसन थी, जवानी की दहलीज पर अभी उसने कदम रखा था, मगर मैं उम्र की सीढ़ियां उतर रहा था। वो उस दिन मजाक के मूड में थी। मेरी नेम प्लेट देखकर बोली, सर आपका नाम तो लड़कियों जैसा है। मैं अनसहत हो गया। जवाब में कुछ नहीं सूझा, मैंने बस यही कहा, तुम्हारा नाम भी तो लड़कों जैसा है। वो हंस पड़ी। अपने सेक्शन वालों के सामने मुझे पहली बार बेहद झिझक महसूस हुई। लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि लड़की थी, बल्कि इसलिए कि वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी। मेरी बगल वाली सीट पर हमेशा एक औरत बैठी रहती थी, क्योंकि मैं इस बात की कम ही परवाह करता था कि लोग क्या कहेंगे। लोग मुझे ठरकी कहते थे, ये बात मुझे पता थी। मेरी बगल में बैठने वाली तमाम औरतें लगभग संवेदन शून्य थी। जो चाहे घटिया बात उन्हें कह लो, हाथ वाथ लगा लो, कुछ बुरा नहीं मानती थी। कुछ तो कोई ना कोई बहाना लगाकर मेरी बगल वाली सीट पर विराजमान होने के लिए लालायत रहती थी। हाँ तो विजया दूसरी बार आई, वो भी एक सप्ताह के अंदर।
सेक्शन की बाकी औरतों को बहुत झुंझलाहट हुई। मन ही मन मैं तो बहुत खुश था, मगर घबरा रहा था, डर रहा था। विजया की गलती यही थी कि जब वह मुझसे मिली तो मैं काफी उम्र जी चुका था। मैं 40 की तरफ जा रहा था और वो 20 पार कर रही थी। उसकी बातें बेहद दिलचस्प थी और मैं साफ देख रहा था कि लड़की मेरे प्रति कितना गहरा मोह पाले बैठी है। एक जवान लड़की का साथ पाने की एक प्रकार की मेरी दिली इच्छा पूरी होने जा रही थी, मगर मैं बेहद डर गया था, बुरी तरह हांफ रहा था, घबरा रहा था कि कहीं कुछ हो न जाए या लोग क्या सोचेंगे। विजया सांवली थी, उसका शरीर गोल मटोल और गुदास था, आंखें छोटी मगर बेहद कटीली और नशीली थी, चुस्त आधुनिक कपड़े पहनती थी। विचारों से वो काफी बोल्ड और साहसी थी, एमए इंग्लिश कर रही थी, साहित्य में काफी शौक रखती थी। मैंने भी एमबीए ऑनर्स अंग्रेजी साहित्य के साथ किया था, इसलिए लॉरेंस कीट्स, बैकन और हक्सले की बहुत सारी बातें मुझे अभी तक याद थी। सो काफी देर तक हमारा वार्तालाप चलता। विजया के साथ मेरी कैफियत उस बच्चे के समान थी जो नंगे हाथों से दहकता हुआ गर्म अंगार उठा ले। विजया ने मेरे विश्वासों, मेरी मान्यताओं और मेरे विचारों को उलट पुलट कर रख दिया था, जैसे बरसात के बाद गलियों में बहने वाले पानी का पहला रेला अपने साथ तमाम बिखरे कागज दिन के आधे बहा ले जाता है। वो एक पहाड़ी नदी की तरह पगली थी, आतुर थी, उसे बह निकलने की बहुत जल्दी थी। उसे कई रास्ते, कई मोड़ पार करने थे। मैं एक सपाट मैदानी नाला था, मैंने काफी कुछ देखा था। इसी झिझक के मारे मैंने कभी उसके सामने बाहर घूमने का प्रस्ताव नहीं रखा। विजया ने कई बार कहा, सर चलिए कहीं चलते हैं, शिमला या मनाली, हिल स्टेशन पर मस्ती मारते हैं। चलो बाहर नहीं तो यहीं अपने शहर के लेक व रॉक गार्डन पर तो चलो, मगर मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर उसे टालता रहता। 3-4 बार मैं उसके साथ शहर के आसपास गया भी, मगर कहीं उससे इत्मीनान से बात करने के लिए सुरक्षित जगह नजर नहीं आई। हर जगह मुझे कोई ना कोई परिचित खड़ा नजर आया। उसके साथ चलकर मुझे लगा कि मैं फिर से जवान हो गया हूं, मेरी उम्र कम हो गई है। फिर विजया की उम्र देखकर मुझे ये बोध होता कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं। अपराध बोध के बिना सच्चा प्यार क्यों नहीं होता? प्यार तो समाज की धारा के खिलाफ चलकर ही किया जा सकता है। मैं डर गया था लोगों से, समाज से, अपने आप से, कहीं फंस गया तो। हालांकि मैं विजया के प्यार में फंसना चाहता था, मगर इतना गहरा फंसने का मेरा इरादा नहीं था। मैं तो बस उसे छूकर महसूस करके देखना चाहता था, मगर विजया तो दीवानगी की हद तक पागल थी। मैं उसकी कमसिन उम्र से डरकर अजीब परस्पर विरोधी फैसले करता था। कभी सोचता था कि आगे बढ़ूं तो कभी बिल्कुल पीछे हट जाने की ठान लेता था। उसे कहीं मिलने का समय देकर उससे मिलने नहीं जाता था। फिर मैंने विजया के साथ एक रात किसी होटल में गुजारने की सोची, मगर उससे पहले मैं उसके प्यार की परीक्षा लेना चाहता था कि क्या मेरे सामने समर्पण करेगी या वैसे ही कोरी भावुकता में बहकर वो ऐसी बातें करती है। अपने ऑफिस की कई औरतों के साथ मुझे उनके घर पर ही उनके साथ अंतरंग संबंध बना लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, मगर विजया के केस में मुझे 1 साल लग गया ये सब सोचने में कि शुरुआत कहां से करूं। सच बात तो ये थी कि मैं उसके साथ सिर्फ प्यार का खेल ही खेलना चाहता था, मगर वो दीवानी लड़की अपनी जवानी के आवेगों को रोक नहीं पा रही थी। हर रोज मुझे यही लगता कि वो मेरे सम्मुख समर्पण करने के लिए बेकरार है। एक दिन जी कड़ा करके मैंने शिमला के ग्रेट होटल में 2 लोगों के लिए एक कमरा बुकिंग करवा ली। वॉल्वो बस से शिमला जाने का प्लान बन गया, मगर उस सुबह जिस दिन मुझे विजया के साथ निकलना था, उस दिन मेरे मन में पता नहीं कैसे नैतिकता की ओछी सनक सवार हो गई। इस तरह तो मैं उसका भविष्य खराब कर दूंगा। विजया बस स्टैंड से मोबाइल पर रिंग करती रही, मगर मैं मोबाइल बंद करके अपने रूम में सरदर्द का बहाना बनाकर पड़ा रहा। अब मेरी बात बहुत लंबी हो चली है, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ कि एक मौका जब मैं सच में किसी को दिल की गहराइयों से प्रेम करने लगा था, मैंने जानबूझकर गवा दिया। विजया को अपमानित किया, उसे बुलाकर मिलने नहीं गया। वो मेरे पास आई तो मैं अधेड़ उम्र की सुरक्षित किस्म की खांटी व अधेड़ औरतों से बतियाने में मशगूल रहा। मैंने विजया को भूल जाना चाहा। वो बार बार मेरे पास आई तो मैंने जी कड़ा करके उसकी उपेक्षा की। अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं ऑफिस के काम में बुरी तरह मशरूफ हूं। आखिरकार
मैंने अपने आप को एक खोल में बंद कर लिया, जैसे गृहिणियां अचार या मुरब्बे को एयरटाइट कंटेनर में भर कर कस के बंद कर देती है। अब मेरी कैफियत ऐसी थी जैसे मैं विजया के काबिल नहीं हूँ, और ये कि उसके साथ और कुछ दिन चला तो फिर संभलना मुश्किल था। मैं ये खेल बस इसी खूबसूरत मोड़ पर लाकर बंद कर देना चाहता। उसके साथ जिस्मानी दलदल में फंसने का मेरा कोई इरादा नहीं था। इस तरह विजया धीरे धीरे मुझसे दूर होती गई, मगर अब इस उम्र में जब मैं 55 के काफी करीब जा रहा हूँ, मुझे उन मधुर क्षणों की याद आती है कि जब मुझ में और विजया में जबरदस्त दीवानगी थी तो मैं बेहद मायूस हो जाता। मैं सोचता हूँ कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और एक प्यार भरा दिल तोड़ दिया, सचमुच सिर्फ एक लड़की जिससे मैंने पहली और आखिरी बार मन की गहराइयों से प्यार किया था, उसका प्यार गंवा दिया, उससे निष्ठुरता दिखाकर बहुत बड़ा अपराध किया था। तो आज आपने boltikahaniyan.com पर सुनी जसविंदर सिंह की कहानी अफसोस। हम सुनाते हैं और आप सुनिए मजेदार कहानियाँ सिर्फ boltikahani.com पर। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का। हम सुनाते हैं, आप सुनिए नई नई कहानियां boltikahani.com पर, और एक एडल्ट सेक्शन भी है। आज ही डाउनलोड करिए मोबाइल ऐप और मजा लीजिए कहानियों का।